नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां साधना गुप्ता का निधन हो गया। सूचना पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और उनकी पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया। मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट आप देख रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनका निधन हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। बताया जा रहा है कि फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रही थी साधना गुप्ता और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। रायबरेली के गुरबख्शगंज में अतिरिक्त एसडीएम विजय कुमार की अध्यक्षता में थाना दिवस चल रहा था। इस बीच रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी थाने पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक के थाने पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर में बन रहे बैरक और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी को मलबे की साफ सफाई के लिए निर्देशित भी किया। साथ ही शिकायत रजिस्टर प्रविष्टि कंप्यूटर पर न होने पर उसे कंप्यूटर पर चढ़ाने का निर्देश दिया। आज यहाँ थाना दिवस के अवसर पे मैं आया हूँ और जनसुनवाई यहाँ चल रही है। राजस्व विभाग के भी लोग यहाँ बैठे हैं। इसी में समय निकाल करके मैंने थाने का भ्रमण भी किया है परिसर का। अभी यहाँ काम चल रहा है, बैरक बन रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन रूम्स बन रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ मलबा है। थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि मलबा जल्दी जल्दी यहाँ से हटाएँ। बाकी जो व्यवस्था है वो संतोषजनक मिली, सफाई भी ठीक ठाक है और अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक है। जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए कह दिया गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण वो कमियां दूर करके मेरे सामने रखी जाए। सर, रजिस्टर में क्या कमियां मिली? रजिस्टर में कुछ सीरियल नंबर्स का गड़बड़ है। रजिस्टर्स के सीरियल नंबर जो कंप्यूटर में डेटा फीड किया गया उससे मैच नहीं कर रहे हैं। उनको बताया गया है कि कल सुबह 12 बजे तक इसको ठीक करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अमीरपुर में यातायात निरीक्षक क्षेत्रीय दल बांदा की टीम के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। घटना विमवार थाना क्षेत्र के छानी के पास की है, जहां रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान बस में बैठी सवारियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि 7 सीट की टिकट न दिखाने पर कंडक्टर के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करने जा रहे थे। इसी दौरान सवारियों ने अधिकारियों को गाड़ी से खींचकर जमकर पीटा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक रात डिपो की बस का कंडक्टर जो है उसको लेकर ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिना टिकट सवारियों को यात्रा करा रहा था ये कंडक्टर, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। रायबरेली के रुद्रनगर में निर्दयी शिक्षक का मामला सामने आया है। स्कूल के अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि 10 साल का छात्र
पवन प्राइमरी पाठशाला का पढ़ने वाला है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद अध्यापक ने छात्र को एक कमरे में बंद कर सरिये से जमकर पीटा। इस मामले को लेकर जब बच्चे की मां थाने पहुंची तो थानाधिकारी ने पीड़ित की मां की एक ना सुनी, जिसके बाद पीड़िता की मां क्षेत्राधिकारी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई। कासगंज में भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में आकर काम कर रही है और पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीती रात उनके एक कार्यकर्ता के साथ मथुरा बरेली हाईवे पर मौजूद नोवा फैक्ट्री के पास नामजद आरोपियों ने मारपीट की थी। वहीं जब पीड़ित कार्यकर्ता रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी ना तो रिपोर्ट लिखी और ना ही पीड़ित का मेडिकल कराया, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार को दी। वहीं पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कल रात को हमारे कार्यकर्ता है अभिषेक कुमार, कुछ दबंगों ने उसके साथ नोवा फैक्ट्री के पास मारपीट की। रात में हम थाने गए, 2 घंटे थाने बैठे रहे, थाने में कोई सुनने को तैयार नहीं था, मेडिकल कराने को कोई तैयार नहीं था। पूरी तरीके से यहाँ सत्ता पक्ष के लोग थाने में बैठ के सत्ता पक्ष की बातें हो रही हैं, दलितों को न्याय कहीं नहीं मिला। आज भीम आर्मी के लोग अम्बेडकर पार्क पर धरने पर बैठे, जब तक हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता, जब तक दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना बंद नहीं होती है, कासिम पुलिस तक न्याय नहीं करती है, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चलता रहेगा। खबर लखनऊ से है, जहां ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में ईद उल अजहा के मद्देनजर डीसीपी नॉर्थ कासिम आबिदी ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके में पैदल दौरा किया और अलीगंज इलाके में ततारपुर ईदगाह का निरीक्षण किया। वहीं जिम्मेदारों से डीसीपी ने होने वाली नमाज को लेकर व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही सड़कों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी। इस मौके पर डीसीपी ने लोगों को जागरूक किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लखनऊ में पुलिस और प्रशासन ने बेखौफ दबंगों का यहां पर जलवा बरकरार है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, नाका मोबाइल बाजार में माफियाओं का कब्जा भी बरकरार है। आपको बता दें कि नाका मोबाइल बाजार में युवक को माफियाओं ने बेरहमी से जमकर पीटा और युवक को जान से मारने की कोशिश भी की। मिली जानकारी के अनुसार कई दिनों से युवक को धमकी मिल रही थी। पीड़ित युवक शिकायत लेकर नाका थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरा नाम रवि है, मैं नाके पे काम करता था। मेरी दुकान थी, दुकान मालिक ने दुकान मुझसे खाली कराई, मुझे गाली गलौज करने लगे, बहुत ज्यादा मारा, मेरा सर फट गया है, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। बकरीद श्रावण मास त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। त्योहारों को लेकर जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्या ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर की दूरी तक किसी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसी के साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन भी इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा। तो त्योहारों को देखते हुए 144 लागू की गई है ताकि
कल 10 जुलाई को बकरीद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाएगा। बकरीद के अवसर पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। पूर्व में ही शांति समिति की बैठकें सभी थाना क्षेत्रों में कर ली गई थी और अधिकारी स्तर पर भी हम सभी द्वारा विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी कर ली गई है और उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट की शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं से और निर्देशों से अवगत कराया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपने धार्मिक गतिविधियों को संपन्न करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ना पूजा अर्चना कहीं करने दी जाएगी। साथ ही परिसर के भीतर रहकर सभी लोग आराम से नमाज इत्यादि पढ़ेंगे, अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। लाउडस्पीकर की आवाज़ उतनी ही रखेंगे जितनी की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमन्य की गई है। उसके बारे में सभी धर्मगुरुओं को भी अलग से अवगत करा दिया गया है। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पारा थाना प्रभारी यहां पर दधीबल तिवारी ने हंसखेड़ा पुलिस बल के साथ पारा क्षेत्र में पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इतना ही नहीं, संवेदनशील कस्बे और कांशीराम कॉलोनी सदरौना समेत बाजारों में पुलिस बल की तैनाती के साथ पैदल मार्च किया गया और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। साथ ही लोगों में शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई। तो त्योहारों को देखते हुए यहां पर पैदल गश्त किया गया। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, शांति से त्योहार मनाने की अपील भी की गई। लखनऊ के थाना शादतगंज के तहत तार टूटने की सूचना पर गए बिजली विभाग के कर्मचारियों पर नूरबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली कर्मचारियों के कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद जेई सुपरवाइजर ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नूरबाड़ी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कासगंज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के बेटौनी गांव का है, जहां मामूली विवाद के चलते दबंग ने एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदारी का काम करता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने पिटाई करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज जनपद में बकरीद की नमाज और श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति की ओर से जनपद के कोतवाली कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया गया और धार्मिक जगहों में जाकर धर्मगुरुओं से बातचीत की गई और त्यौहारों को सौहार्द प्रेम और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने और साथ ही कानून और शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की। वहीं किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस सतर्क है और लगातार अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए है। कासगंज में डीएपी खाद की ठगी का मामला सामने आया है, जहां सहकारी समिति में तैनात एक सचिव सीधे सीधे किसानों को गुमराह कर खाद निर्धारित रेट से 150 रुपए महंगा बेच रहा है, जबकि अन्य समिति केंद्रों पर खाद की निर्धारित रेट 1350 के हिसाब से बेची जा रही है।
जब इस मामले में समिति पर मौजूद सचिव यतेंद्र कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि ये खाद 150 रुपए महंगी 4-5 दिन से नहीं है, बल्कि बीते दिन से अखबार में खबर निकली थी कि डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं मीडिया कर्मियों के कैमरे के सामने सचिव ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए किसानों से लिए ज्यादा पैसों को वापस करने की बात कही है। कासगंज जनपद के शांति नगर में एक महिला ने अपने पति के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। पत्नी के इस हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी में रात को झगड़ा हुआ था, जिस कारण से पति ने अपनी पत्नी की झगड़े के दौरान जमकर पिटाई कर दी। अपनी पिटाई से शुद्ध महिला ने अपने पति के ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फेंक दिया। घायल अवस्था में पीड़ित को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस मामले में घायल के परिजनों ने आरोपी पत्नी पर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सो रहे थे, इसकी बीवी ने पानी खोला के इसके ऊपर डाल दिया था। कारण क्या रहा पानी डालने का? पता नहीं क्या बात था। एक दो बार और भी कोशिश करी इसने मारने की इसके लिए, तब भी ये कुछ नहीं करा। मजदूरी करता सर, पल्लेदारी करता, उस पैसे ज्यादा खिलाता है। गंदगी रहती है घर में बहुत, और इधर उधर बाहर इधर उधर घूमती रहती है। कोई भी कुछ कहता है तो लड़ने लगती है किसी से। इसी वजह से महिला है, इस वजह से कुछ कहते नहीं करे तुम्हारे। सर पत्नी इस समय कहाँ है इनकी? पत्नी इसकी वहाँ पर थाने में है सर। आपने FIR कर दिए? हाँ सर, कर दी सर। ये आपस का कुछ पारिवारिक विवाद लग रहा है, इसकी जांच अभी होगी। एक मोहल्ला है शास्त्री नगर थाना अमापुर में, वहाँ अफरोज बेगम है, उन्होंने अपने पति जसरुद्दीन के ऊपर खौलते पानी डाल दी, जिससे वो मतलब घायल हैं। उसके संबंध में मुकदमा भी लिखा गया, उसमें अन्य कार्रवाई की जा रही है। महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस कर्मियों के साथ की गई है। खबर गोंडा से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि एक कंपोजिट विद्यालय के जर्जर भवन की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। और दरअसल शहर में कंपोजिट विद्यालय मालवीय नगर में ये भवन काफी दिनों से जर्जर है। छत का प्लास्टर टूटकर बहुत पहले ही गिर चुका था। छत की सरिया दिख रही थी। अच्छा, चुंगी गोदाम है ये? जी। तो यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय कोई चलता था, ये इसका छत गिरा है। कब गिरा है? ये सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे, तो जिस समय छत गिरा है उस समय स्कूल में बच्चे थे? का समय था, बच्चे आए नहीं थे। बच्चे आए नहीं थे, तो बच्चे होते तब तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में एक किसान सत्येंद्र खेत जुताई करते समय रोटावेटर हल में आपको बता दें कि यहां पर हल में बुरी तरह से फंस गया था, जिससे उसकी रोटावेटर में पूरी तरह से लिपट और फंस जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत की जुताई करने के लिए युवक किसान रोटावेटर और ट्रैक्टर के साथ आया हुआ था। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ सूचना पर पहुंचे SDM और CO ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मदद का भी आश्वासन दिया है। हमीरपुर के गुलाबनगर में जलभराव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों को मजबूरन कीचड़ वाली सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। गुलाबनगर में जल
निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिससे वहां के लोगों को बरसात होते ही समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। नगर पालिका और विधायक से लेकर आला अधिकारी तक इसकी शिकायती छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, गिर रहे, उठ रहे हैं। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जिस दिन बारिश हो जाएगी तो और साहब निकल नहीं पाएंगे बिल्कुल। हाँ, वो बीमारियों का खतरा है, जो छोटे छोटे बच्चों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो गंदगी होती है, जो पानी भरता है नालियों का, सब निकल नहीं पाता है। आप खुद देख लीजिए, हटे थोड़ा, ये देखो पानी भरा हुआ है और मुझसे कोई भी नगर पालिका का अधिकारी नहीं बचा है, जिससे मैंने कहा ना हो। मेरे पास रिसीविंग बाकायदा हर चीज रिकॉर्डिंग हर चीज रखी हुई है, जहाँ तक कि मैंने गौरव जी हैं जो नगर पालिका में, उनको मैं 7 महीने से वीडियो भेज रहा हूँ यहाँ की बना बना करके कि साहब यहाँ का इंतजाम करा दीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं भाई नहीं होती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।